पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर मुकाबला हो रहा है। डिजिटल मीडिया कैंपेनिंग में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों या विपक्ष के नेताओं और पार्टियों से इतनी आगे क्यों है? इसका जवाब बड़ा सटीक सा है। खतरे को या चुनौतियों को पहले भाप लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक योग्यता होती है। इस चीज़ को बीजेपी ने 2014 के पहले ही भाप लिया था और बीजेपी इस चीज़ को समझने लगी थी कि 100 करोड़ की जनसंख्या में अगर राजनीति में अपना चेहरा चमकाना है तो एक एक आदमी से आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। 100 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 1-to-1 कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता है। प्रतिद्वंदी जितनी भी पार्टियाँ हैं, विपक्ष की जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं और चल रही थी, और उनका ये मानना था कि वो नेता है जो नेताजी ने बोल दिया बस वही एक फरमान होता है। बीजेपी ने इस चीज को चेंज किया, कम्युनिकेशन साइंस के महत्व को समझा और एक एक आदमी तक अपनी बात पहुंचाना, उनको कन्विंस करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि तथ्यपरक मुद्दों को एक एक आदमी तक पहुंचाया जाए। विपक्ष इस चीज को नहीं भाप पाया, कम्युनिकेशन के इस नब्ज को, कम्युनिकेशन की इस ताकत को नहीं समझ पाया, इसलिए वो डिजिटल मार्केटिंग की जो ऑप्शन है, जो उसमें पोटेंशियल है, उसको वो भांप नहीं पाए। और अभी भी बहुत सारी बड़ी पार्टियां, उनकी आईटी की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि बीजेपी ने अपनी आईटी की स्ट्रांग टीम बनाई। बीजेपी ने आज ये टीम नहीं बनाई, 2014 के इलेक्शन कैंपेन के पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए खड़ा किया। ये एक विजडम बोला जाएगा कि होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बीजेपी और दूसरे नेता गुड कम्युनिकेटर तो हो सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन का मतलब है कि ठीक है हम आपकी बात को समझते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है और आपके कहे अनुसार वो एक्ट भी करेगा, यानी वोट आपको देगा। बीजेपी इस फंडे पे काम कर रही है कि कम्युनिकेशन हो, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, जिसके लिए डिफरेंट तरीके के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, वॉल पेंटिंग वगैरह, सारी चीज़ें ट्रेडिशनल है, एक नया अप्रोच आया।